मुकेश, आपके पीछे हम देख सकते हैं कि जिस धरना प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, जो तमाम जो कार्यालय हैं वहाँ पर बीजेपी कर रही है, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जो तर्क बिजली कंपनियों द्वारा दिए गए, लेकिन पहले तो आप सरकार ने खुद ही कहा था कि भाई 200 यूनिट पर तो फ्री है, अचानक ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, अब उसकी मिठास जो है वो कड़वाहट में घुलती हुई नज़र आ रही है तमाम दिल्ली वालों के लिए। चल, जिस तरह से रोज प्रदर्शन चल रहा है, हल्ला बोल प्रदर्शन है, 14 जिलों में प्रदर्शन है, और जिस तरह से पीपीएससी चार्जेस और पेंशन सरचार्जेस बढ़ा करके दिल्ली वालों को ठगा गया, और ये बताऊं कि ये यही नहीं रुकेगा, अभी 8% बढ़ाने की और बात चल रही है, यानी 46% तक बढ़ जाएगा, जो 1.5% होता था 2015 में। राजकुमार जी हैं जो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे करके, उनकी नीतियों से इस्तीफा दे करके आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये खुद आपको बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बनाती है। बताइए राजकुमार जी, कैसे ये ठगी हो रही है? देखिए, जो बिजली घोटाला है आज का, दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल की सरकार के, बहुत सारे घोटालों की तरह एक नया घोटाला है, और ये मल्टी लेयर घोटाला है, इसमें कोई एक परत नहीं है, बहुत सारी परतें हैं। जैसे पीपीएसी चार्जेज है, ये कभी 1.5% हुआ करते थे, और आज इसको बढ़ा बढ़ाकर 37.5% कर दिया गया है, और 1.5% भी जब ले सकती है ये बिजली कंपनियां, तब पीक चार्जेज जब होते हैं, गर्मियां बहुत पड़ती हैं, तब वो ये वसूल सकती है, वो भी उन 3 महीनों के लिए, लेकिन ये 37.5% कर दिया गया, और अभी एक तुगल की फरमान आया है कि 8% और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि करीब 46% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली वालों को करीब करीब अपना दुगना बिल पीपीएससी के नाम पर देना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये जो पीपीएससी सरचार्ज है, ये सिर्फ गर्मियों में पीक सीजन में लगना चाहिए, लेकिन ये लगातार पूरी साल लग रहा है, और साल दर साल लग रहा है, हर महीने लग रहा है और साल दर साल लग रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी परतें हैं, जैसे पेंशन, जो पेंशन सरचार्ज होते हैं, लोग सोचते हैं कि पेंशन जो बुजुर्गों की दी जाती है उसके नाम पर लिए जाती है, नहीं, ये बिजली कंपनियां अपने जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने के लिए आम नागरिकों से वसूलती है, जो पहले 1% था, अब वो 7% कर दिया गया। वैसे ही आपके घर में अगर कोई बर्थडे हो, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, शादी हो, तो आपके मीटर का लोड बहुत बढ़ जाता है, वो 2-4 घंटे के लिए बढ़ता है, लेकिन बिजली कंपनियां उसको परमानेंट बढ़ा देती है, उसके बाद एप्लीकेशन लेके चक्कर लगाता रहता है। चलिए, बिल्कुल मुकेश, यह समझ पा रहे हैं कि जो कहानी है आखिरकार बढ़ा देते हैं, लेकिन कम करने का कोई सुनवाई नहीं। बड़ी बात बोली।